कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली पार्क के पास बुधवार रात को गोली चलने से हड़कंप मच गया। जिस समय गोली चली उस समय वहां अधिक संख्या में लोग तरावी पढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने 3 राउंड फायर किया है। जैसे ही गोली चलने की सूचना मिली तो सभी तितर बितर हो गए। तारावी के चलते भीड़ में किसी की कोई पहचान नहीं हो सकी। वहीं मौके पर पहुंची एसीपी सीसामऊ श्वेता कुमारी सहित थाने की पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। 3 खोखे जमीन पर पड़े हुए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, ये कौन लोग थे जिनकी वजह से माहौल खराब हुआ, इसके साथ ही अभी तक किसी की तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है। सीसीटीवी आदि चीजों से जानकारी करने के बाद जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज शाम करीब 8:15 बजे में सूचना मिली कि मोहम्मद अली पार्क के सामने फायरिंग हुई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के छानबीन की तो पुलिस को कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस जो है लोगों की पहचान कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है। कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपको तत्काल सूचना दी जाएगी। अभी सूचना में वहाँ पर विवाद में पथराव भी हुआ है, कुछ ऐसी घटना भी पता नहीं? ऐसे कोई हमारे अभी जानकारी में नहीं आया है और हमारे पास अभी कोई लिखित तहरीर भी नहीं आई है। जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। कितने खोखे बरामद हुए हैं? अभी हमें 2 खोखे बरामद हुए हैं और अभी कोशिश और ढूंढने की जारी है, क्योंकि हमें पता चला है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। तो और कुछ भी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अभी तरावी का कार्यक्रम चल रहा था तो अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। अब हम उसके प्रयास में हैं, जैसे ही प्राप्त होता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।